goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Good morning, everyone. I am Anurudh Maurya. From आज जब आप लोग पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 बताया क्लास 6 राइट 5 इंटीरियर नेगेटिव इंटीरियर. अब क्या करना है, 5 नेगेटिव इंटीरियर बता रहे हैं. तो पहला जो क्वेश्चन ग्रेटर देन 22, एक चीज यहाँ पे समझ लो, माइनस में 85 और इधर है माइनस में 73. तो माइनस में जो वैल्यू जितना ही बड़ी होती है वो उतना ही छोटे मान लो. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें इसमें अभी क्या हो जाएगी, माइनस में जो वैल्यू जितनी ही क्या होती है बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी मान जाती है, और जो जितनी छोटी होती है माइनस में वो उतनी ही क्या होती है बड़ी होती है. इसीलिए क्या हो जाएगा, ठीक है. तो ऐसे ही ध्यान रखना है क्या करना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है. सॉल्यूशन ग्रेटर देन माइनस का 22, तो इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, यानी छोटी ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ी. तो यदि हम 23, 24 करते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि जो माइनस की जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वो उतनी छोटी मानी जाती है. जो माइनस की है ऊपर की वैल्यू लेते हैं तो छोटी हो जाती है, तो हमें माइनस के नीचे की वैल्यू लेना है, बड़ी चाहिए ना ग्रेटर देन 22 से बड़ी होनी चाहिए. तो माइनस में 22 से नीचे वाले नंबर्स लेंगे, 5 नेगेटिव इंटीरियर. क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा माइनस का 21, माइनस का 20, और कितना हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का 18. कितने होंगे, 2 to 4 फिर उसके बाद आपका माइनस 5 हो जाए, 5 हो जाए. क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 96 है तो 97 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 97 लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बोलो, वो छोटा हो जाएगा, लेकिन हमें बड़ा चाहिए तो हम अपोजिट कर लेंगे इसे, 96 के अपोजिट. तो 5 नेगेटिव इंटीरियर, इसमें भी क्या हो जाएगा, 95, 94, 93, 92 और 91. तो सी वाले में कितने हैं, 5 सी वाले में लेस देन, यानी इससे क्या चाहिए, छोटी चाहिए, लेस देन ग्रेटर नहीं चाहिए, छोटी चाहिए. और जब छोटी चाहिए तो हम 32 के ऊपर वाले नंबर लेंगे, यानी माइनस का 33, माइनस का 34. ये छोटी चीज चाहिए, छोटी होंगी है दिखने में बड़ी है, माइनस लगा तो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. 5, 36, ठीक है. ऐसे डी वाला देखते हैं, डी वाला लेस देन 70, इसमें भी ऐसे ही निकाल लेंगे. ये सब सेम, इसका मतलब क्या है, 5, 22, 3. ठीक, नाउ 71, 72, 73, 74. ठीक, क्या हो गए भाई, तो इस तरीके से ये नंबर्स निकल करके आए. ठीक, चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन. मजा आता है जब आप उस चीज को समझते हो, तभी मजा आता है पढ़ने में, और पढ़ते नहीं. ठीक है, जब समझते नहीं हो तो नहीं मिलता. विच इज द टिपिकल क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है उचित है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर माइनस का 1,
ये नेगेटिव ग्रेड का सबसे बड़ी नेगेटिव होती है बारिश का हुआ फिर इसका आंसर होगा तो ये चीज़ का ग्रेड कैसे दीजिए तो ये चीज़ का Thank you.
आ रहा था माइनस का जीरो यहाँ आ गया यहाँ तक लिखा है वहाँ पर चाहिए कौन सा था माइनस का एट इसी तरह सो नाउ बस इसी तरीके से ट्राई करना है आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो आप लाइक भी करें लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।